नीचे उतरो। कौन हो तुम लोग? अबे नीचे उतर। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो मेरे साथ? ले चलो इसे। सरदार, इसके ड्राइवर का क्या करना है? छोड़ दो उसे, हमारा काम इससे है। सालो, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम्हें पता होता ना मैं कौन हूँ, तो तुम कभी ये जुरत ना करते। ओए मम्मी डैडी, हम किसी चीज को नहीं जानते, हम सिर्फ एक ही चीज को जानते हैं, और वो है पैसा। तुझे किडनैप करने की हमें बहुत बड़ी सुपारी मिली है। किसने दी है मेरी सुपारी? तेरी सुपारी हमें बड़े साहब ने दी है, और तुझे लेके भी उसी के पास जा रहे हैं। तुम्हारे बड़े साहब की ऐसी की तैसी? छोड़ो मुझे। हाथ इसके बोझ चल रहे हैं, हथकड़ी लगाओ इसे। कब तक बांध के रखोगे मुझे? ले चलो इसको अड्डे पे। मालिक, मालिक, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया। मारे जाने यार, क्या हो गया? कोई क्यामत आ गई है? थोड़ा सांस तो ले ले। मालिक गजब हो गया, छोटे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया है। अच्छा तू जा अपना काम कर, मुझे तेल लगवाने दे। अरे तेरे हाथों में जान नहीं है, जोर से दबा। बांधो इसको, बड़े साहब को मैंने फोन कर दिया, वो आने वाला होगा। आने दे, देख लेता हूँ तेरे बड़े साहब को भी। बड़े साहब का हुक्म था इस लड़के को आज भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो तुझे मार मार कद्दू बना देता। कद्दू बैंगन के भरते। इसे डाकू नहीं कॉमेडियन होना चाहिए था। अबे ओ, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो दूंगा एक उल्टे हाथ की। क्यों, सीधे हाथ पे छाले निकले हैं तेरे? तू मर ही ना जाए मेरे हाथों से। वॉशरूम जाना है मैंने। क्यों, पैंपर नहीं पहना तूने? पता नहीं किन गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे। ख्याल रखना इसका, ये बड़ा सियाना है, कहीं ये ना हो तुम्हें चकमा दे के भाग जाए, मैं नमाज पढ़ लूं। 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली है। किडनैपर भी नमाज पढ़ते होते हैं क्या? बेटा हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया, और ना हम बुरे लोग हैं। अच्छा, किसी को किडनैप करना कोई सवाब का काम है? अब यो डेढ़ शाने ज्यादा किचकिच मत कर, ये हमारा पेशा और हमें इस काम के पैसे मिलते हैं। आप नमाज पढ़े सरदार, हम देख रहे हैं इसे। लूजर्स, तुम चाहते तो मेरी तरह बिजनेस करके भी पैसे कमा सकते थे। बिजनेस? लो आगे बड़े साहब। ले है तुम इसे? ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। खोलो इसकी पट्टी। अब आपने मुझे किडनैप करवाया है? बेशरम, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तू। अब आपने इन डाकुओं के हाथ अपने सगे बेटे को किडनैप करवाया, क्यों? बेगैरत, तुझे पता भी है तू अपनी माँ से आखिरी बार कब मिला था? अब्बा यही कोई एक महीना हुआ है। 2 महीने हो गए, तेरी माँ रोज दरवाजे पे बैठ के तेरा इंतजार करती है, ऊपर से तुझे फोन करती है, तू फोन नहीं उठाता। अब्बा आपको पता तो है मैं अपने काम कारोबार में बिजी होता हूँ। तू अपने कारोबार में इतना बिजी हो गया है, जिन्होंने तुझे पैदा किया है, तेरी परवरिश की है, तेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। अच्छा माफी चाहता हूँ अब्बा, ये कौन सा तरीका है समझाने का? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खोलो मुझे। खोलो इसे, जल्दी करो। चल अपनी माँ से मिल ले अब। शुक्रिया डाकू भाई, खोलो इसे। ओ इसे तो खोल दे। बस ठीक है, अम्मा से मिलना है, चलो। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काम कारोबार के साथ साथ अपने करीबी रिश्तों को भी टाइम देना ना भूलें।